अस्सलाम एवरीवन, माय नेम इज़ आमिर हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। और एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स का इकोनॉमिक्स में इंग्लिश में गैस पेपर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। उर्दू में मैं गैस पेपर आपको भी बताने जा रहा हूँ। दरमियान में आपको इस वीडियो के बताऊँगा कि आप किस तरह से इस वीडियो जो गैस पेपर है उसकी पिक्स जो है कौन से ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात ये बताना चाहूँगा कि एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स में जो बच्चे इकोनॉमिक्स पेपर जब अटैम्प्ट करेंगे या करते हैं या बीकॉम में जब इकोनॉमिक्स पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि ग्राफ वाले क्वेश्चन को स्किप किया जाए। आई वुड रिकमेंड कि आप ग्राफ वाला क्वेश्चन लाजमी अटैम्प्ट करें, ग्राफ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, क्योंकि इससे एग्जामिनर को आपके कॉन्सेप्ट टेस्टिंग में हेल्प मिलती है और वो आपको अच्छे मार्क्स देगा, आप इम्तिहान में पास हो जाएंगे। और पास होने के लिए और अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए ये लाजमी तौर पर आप वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जिसमें ग्राफ मौजूद हो, ग्राफ को एक्सप्लेन करें और उसके बारे में लिखें। तो चलिए गैस पेपर देखते हैं। माशी तज्जिया और पॉलिसी जज्जी माशियात में आपके पास पहला क्वेश्चन जो है जिसमें आपने फ़र्क बयान करना है, उसमें आपके पास जज्वी और कुल्ली माशियात में जो फ़र्क है उसके बारे में, दिन तलब में तब्दीली और मकदार तलब में तब्दीली है, दिन तलब के लिए तक बावजा कीमत आमदनी और मुतबादल अशिया, दिन मुकम्मल और इजाजारदाना मुकाबले में फ़र्क है, दिन मुकम्मल मुकाबला और इजाजारी में फ़र्क है। इसके अलावा आइसोकोंट आइसोकोस्ट में डिफरेंस है, आइसोकोंट और खुशी तहर में तर्दी में फ़र्क है, मुजम्मर मसारिफ और सरीह मसारिफ, दाखली यानी अंदरूनी और बैरूनी किफ़ायतें, अंदरूनी और बैरूनी किफ़ायतें, इसके बाद इम्तियाजी कीमत। तो ये आपके पास है। दैन क्वेश्चन सवाल नंबर दो है आपके पास, असर आमदनी और सिर्फ दाल में असर कीमत का मजमूआ है बयान करें, और इसके बाद सारिफ के तवाज़ुन के खुद तर में तर्जी के उसलूब की मदद से बजरिया गोशवारा और डायग्राम बयान करें, इसको उसका कानून कहते हैं। अच्छा जी, दैन क्वेश्चन नंबर थ्री है, कलील मुदत में तवाज़ुन की हालतें बयान करें, इजारादारी फर्म किस तरह तवाज़ुन की हालतें होती हैं कलील मुदत में वो बताना, मुकम्मल मुकाबले में किस तरह होती हैं ये बताना है। दैन उसके बाद तलब की लचक की पैमाइश के मुख्तलिफ तरीके बयान करें, गोशवारे और डायग्राम से वजाहत करें किस चीज़ों की, ये तीन कानून हैं इनके बारे में बताना। ऊपर तलब की लचक की पैमाइश के मुख्तलिफ तरीके बयान करें ये बताना है, फिर कानून तकसीर हासिल, कानून तकलील हासिल, कानून तकलील फ़ायदे मुख्तम, इन तीनों को डायग्राम और गोशवारे की मदद से बनाना है, इनकी तारीफ भी लिखनी है। फिर नोट है, ऊपर फ़र्क था और नीचे नोट है, कानून मसावी अफादा, कानून तलब, कानून रसद, आमलीन पैदाइश का बेहतरीन इश्तराक, कानून मुतगैर तनासब, कलील मुद्दती औसत मसारिफ और औसत मुतगैर मसारिफ, मुमकिन पैदावार और माशियात की बेहतरीन तारीफ। ये बात याद रखिएगा, माशियात की जब बेहतरीन तारीफ़ की जाए तो रॉबिन्स की तारीफ़ के बारे में है, और रॉबिन्स की तारीफ़ उसके इंपॉर्टेंट नुकात और उसकी करेक्टरिस्टिक्स की तारीफ़ क्यों इंपॉर्टेंट है यह आपने बताना है। दिन कुल्ली माशियात में ज़ारिब अफराती और तफरीती रखना, इसरा तफाउल से पसंद अंदाज होने वाले मामले, तजारती चक्कर या कारोबारी चक्कर के अदवार, सरमाकारी की इकसाम, सरमाकारी की इकसाम के बाद आपके पास माशी पॉलिसी के हालात, फिस्कल पॉलिसी के मकासद, तफाउल बचत और मिलान सर्फ और बेरोज़गारी की इकसाम, कौमी आमदनी के मुख्य तहवरात की वजाहत और इसके पैमाइश के तरीक़ार। दैन प्रोफेसर कैंस के नज़रिए आमदनी और रोज़गार को डायग्राम की नज़र से वजाहत दिया करें, इसमें मौसर तलब वाला सवाल भी है वो भी देख लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, और कभी मौसर तलब के बारे में बात करता है और कभी नज़रिए आमदनी और रोज़गार इस तरह बयान करता है। सरमाए की मकसद अज़ादकार की वजाहत करें और इस पर असरानंदाज होने वाले अवामिल बयान करें। दैन ज़ारिब के नुमेरिकल पास पेपर में दिए हुए यानी ज़ारिब काजी सर जो के जिसको बोलते हैं उसकी वैल्यू मालूम करनी होती है और फिर उसको सॉल्व करना होता है, ये भी बताना होता है क्यों एमपीसी और एमपीएस का इंसा एक से कम है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग के नुमेरिकल, ये नुमेरिकल्स आते हैं बहुत ही आसान नुमेरिकल्स हैं। अच्छा, और उसके बाद लास्ट पोस्ट सवाल है हमारा इंपॉर्टेंट, इस्लामी निज़ामी मईशत के मकासद और खसूसियात या क्यों इस्लामी निज़ामी मईशत दूसरे निज़ामी मईशत से बेहतर है यह आपको बताना। अगर आपको ये गैस पेपर डाउनलोड करना है तो गैस पेपर डाउनलोड करने का जो लिंक है ये मेरे फेसबुक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मौजूद है। इसके अलावा जो मेरा फेसबुक ग्रुप है KUBCOM ADC, यहाँ पर भी आपको एक ऐसे पर मिल जाएगा,
और दूसरी ख़ास बात ये बता चलूँ कि लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी क्लिक करके ग्रुप में जा सकते हो, गेस्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और ये तो बोलने की ज़रूरत नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।